नमस्कार दोस्तों, एडुकेशन एमआई पे आपका स्वागत करते हुए आज हम एक बेहतरीन क्विज लाए हैं जो कि ज्योग्राफी के बेहतरीन सवाल से सजे हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। सवाल है, कौन सा देश चावल का कटोरा कहलाता है? ए भारत, बी चीन, सी थाईलैंड, डी म्यांमार। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी म्यांमार, जो अपना पड़ोसी देश है। अगला सवाल, कौन सा देश उगते सूर्यों की भूमि के नाम से जाना जाता है? ए चीन, बी जापान, सी कोरिया, डी थाईलैंड। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी जापान। ये सुदूर पूर्वी देश है, इसीलिए इसको ऐसा कहा जाता है। अगला सवाल, कौन सा महासागर सबसे बड़ा है? ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी आर्कटिक महासागर, डी प्रशांत महासागर। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। अगला सवाल, कौन सा देश सबसे अधिक झीलों वाला है? ए यूएसए, बी भारत, सी कनाडा, डी ब्राजील। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी कनाडा, जो कि सर्वाधिक झीलों वाला देश है। अगला सवाल है, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप, डी दक्षिण अमेरिका। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अफ्रीका में मुख्य रूप से नील नदी बहती है। अगला सवाल, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ए माउंट किलिमंजारो, बी माउंट एवरेस्ट, सी माउंट एल्ब्रस, डी माउंट मैकलिन। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट। अगला सवाल, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? ए एशिया, बी दक्षिण अमेरिका, सी अफ्रीका, डी यूरोप। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान है और थार है अपने राजस्थान में। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ए कनाडा, बी चीन, सी रूस, डी यूएसए। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी रूस, जिनमें अधिकांश हिस्सा रूस का बर्फ से ढका हुआ है। अगला सवाल, नेग्रो नदी का मुहाना कहाँ है? ए साम अंटिका यास की खाड़ी, बी अटलांटिक महासागर, सी मेक्सिको खाड़ी, बी लॉरेंस की खाड़ी। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल, पर्णा नदी इन दो देशों की सीमा निर्धारण करती है? ए अर्जेंटीना उरुग्वे, बी अर्जेंटीना पराग्वे, सी अर्जेंटीना पराग्वे और ब्राजील, डी अर्जेंटीना उरुग्वे और पराग्वे। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी अर्जेंटीना उरुग्वे और पराग्वे की सीमा निर्धारण करती है। अगला सवाल, मोरी निको नदी की मुहाना कहाँ है? ए अटलांटिक महासागर, बी बेरिंग सागर, सी हर्सन की खाड़ी, डी मेक्सिको खाड़ी। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर। अगला सवाल, अमेजन नदी का मुहाना कहाँ है? ए अटलांटिक महासागर, बी बेरिंग सागर, सी हर्सन की खाड़ी, डी मेक्सिको खाड़ी। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर। अगला सवाल, रियो मांडे नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए रॉक की पर्वत श्रेणी, बी एंडीज पर्वत श्रेणी, सी पेडस्लेब लेक, डी विनिपेग झील। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए रॉक की पर्वत श्रेणी। अगला सवाल, कोलंबिया नदी का मुहाना कहाँ है? ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी मेक्सिको खाड़ी, डी लॉरेंस की खाड़ी। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। अगला सवाल, सेंट लॉरेंस नदी का मुहाना कहाँ है? ए बेरिंग सागर, डी मेक्सिको खाड़ी, सी लॉरेंस खाड़ी, डी अटलांटिक महासागर। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी लॉरेंस की खाड़ी। अगला सवाल, कोलोराडो नदी का मुहाना कहाँ है? ए कैलोरियन की खाड़ी, बी मेक्सिको खाड़ी, सी हर्सन की खाड़ी, डी अटलांटिक महासागर। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए
केलियोनियो की खाड़ी। अगला सवाल, मिसिसिपी नदी किस खाड़ी में मिलती है? ए बेरिंग सागर, बी मेक्सिको खाड़ी, सी हडसन की खाड़ी, डी अटलांटिक महासागर। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी मेक्सिको की खाड़ी। अगला सवाल, मिसिसिपी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ए पेर्सलेव लेक, बी विनिपेग झील, सी इटास्का लेक, डी एंडीज पर्वत श्रेणी। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी इटास्का लेक, जहां से मिसिसिपी नदी निकलती है। मैकेंजी नदी का मुहाना कहाँ है? ए ब्यूफोर्ट सागर, बी बेरिंग सागर, सी हडसन की खाड़ी, डी मेक्सिको खाड़ी। इनका सही जवाब है ब्यूफोर्ट सागर, ऑप्शन ए। हम आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।